खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। राज्य में चलाए जाते गेंदा विकास कार्यक्रम। ग्रीष्मकालीन कोहरा में पाउडरी के प्रकोप और ओकर निदान। प्याज के अरका प्रगति किस्म और धान के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवतरित है और ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। छत्तीसगढ़ राज्य में सजावटी फूल के उत्पादन और मांग ला देखते हुए गेंदा विकास कार्यक्रम चलाए जाते। एकर अंतर्गत लघु एवं सीमांत क्षेत्र के किसान मन ला प्रति हेक्टेयर में लागत के 50% तक अनुदान दिए जाही। उन्हें अन्य किसान मन ला कुल लागत के 33% तक के अनुदान दिए जाही। ता ये योजना के लाभ उठा के हमर किसान भाई मन अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। कोहरा के सब्जी में पाउडरी नामक बीमारी के प्रकोप बहुत आयत रही थे। ये बीमारी में पत्ती मन के ऊपरी सतह में सफेद पाउडर के विकास हो जाते, जेकर ले पौधा सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाए में असमर्थ हो जाते और पौधा कमजोर होके सूख के गिरे लधर लेते। संगे संग फूल और फल उचित तरीका से नहीं हो पाए। एकर बचाव बर कैरेथान 1 ml या सल्फेक्स 2 g प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए। प्रभावित पत्ता ला पानी डाल के साफ करना चाहिए और गंधक चूर्ण 300 mesh 20-25 kg प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना चाहिए। एकर ले कोहड़ा बने उत्पादन देते और लाभ मिलते। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। साग भाजी के खेती करिया किसान भाई मन ला प्याज के एक उन्नत किस्म अरका प्रगति के जानकारी देवत हन। ये किस्म के प्याज पर गर्म और आद्र जलवायु बने होते। जीवांश युक्त और उपजाऊ माटी में लगाए ले ये हर बने उत्पादन देते। प्याज की ये फसल दिखे में गोल एक समान कंद बड़े मध्यम तीखा और अधिक उत्पादन देते। लगभग 4-5 महीना में तैयार ये फसल के एक एक फल 50-70 g तक वजन रही थे। हमर किसान भाई मन प्याज की अरका प्रगति किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकते और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। सफलता अगर कोनो किसान नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। हमर राज्य में अनाज की खेती सर्वाधिक मात्रा में होते। यही बात ला जानते हुए बिलासपुर जिला के किसान चंदू भैया अपन 5 एकड़ के खेत में धान फसल के उत्पादन ला बने उन्नत तरीका ले करत हावय। जानकारी देवत चंदू भैया बताते कि ओखर ये धान के उत्पादन में निंदाई कोड़ाई जोताई बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 50-70 हजार रुपए तक के खर्चा आए हावय। ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वहाँ मंडी तक पहुँचा के लगभग 1.5-3 लाख रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकते और उह मन अपन खेत में धान के उत्पादन करके बने मुनाफा कमा सकते। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलवो। तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमर प्रदेश के अलग अलग मंडी मा धान फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बालोद कृषि उपज मंडी समिति मा धान के न्यूनतम भाव 935 रुपया और अधिकतम भाव 1309 रुपया प्रति कुंटल। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति मा धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। कुरूत कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति क्विंटल। सरायपाली कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1135 रुपया और अधिकतम भाव 1415 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में गांठ गोभी के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार कर या व्यापारी मन बताते कि थोक में एकर भाव 7-8 रुपया है। उन्हें चिल्हर में 8-10 रुपया किलो में बिकत हावय। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। Thank you.
लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ क्या करूँ? हाँ मैं ऐसे ही करूँगा। हाँ अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी जी जी। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, बदलते मौसम का प्रभाव न केवल हम पर पड़ता है बल्कि हमारे पालतू पशुओं पर भी पड़ता है। न केवल हमें बल्कि हमारे पालतू पशुओं को भी तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो पशुपालन किस तरह से किया जाए कि हमारे पशु स्वस्थ रहें, और अगर उन्हें कोई रोग बीमारी होती है तो उसका निदान किस तरह से किया जाए, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आज स्वस्थ पशुओं को स्वस्थ रखने की तकनीक क्या है, इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे बीच आए हैं सफल पशुपालक श्री शंकर टंडन जी, और पशुओं को होने वाले रोग और उनके निदान के संबंध में हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच आए हैं मादा पशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक चंद्राकर। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, पशुपालन से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। तो आइए चर्चा की शुरुआत करें। टंडन साहब, आप सफल पशुपालक हैं, आप हमें ये बताइए कि लाभ की दृष्टि से हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को किस किस्म के, किस नस्ल के पशुओं का पालन करना चाहिए कि उन्हें आर्थिक रूप से लाभ हो सके। जी, नस्ल की बात अपन करें तो जैसे भैंसों की नस्ल है जी, जी तो भैंसों की होलिस्टीन नस्ल होती है जी, हाँ। जो बहुत ही अच्छी, सॉरी भैंसों की जो है पूरा नस्ल जो होती है बहुत ही अच्छी होती है, गाय में होलिस्टीन नस्ल होती है जी जी जी। तो जैसे हमको लेना है भैंस लेनी है तो पूरा नस्ल की भैंस होनी चाहिए जी जी जी, जो ज्यादा दूध देती है, लंबे समय तक दूध देती है जी जी। और गाय जो है वो
वो भी मतलब रिगार्डिंग होलिस्टिक आपको जी बहुत लंबे समय तक दूध देती है और उसका ज्यादा रहता है जी, उससे आर्थिक लाभ ज्यादा होता है उससे। डॉक्टर साहब, गर्मी अब शुरू हो चली है तो इस गर्मी के मौसम में हमारे पशुओं को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? गर्मियों में ज्यादातर पशुओं को, जैसे कि मनुष्यों में, जैसे कि आपको सुनने में आता है कि मनुष्यों में लू लग जाता है, उसी तरह पशुओं में भी लू की बीमारी काफी होती है गर्मी के मौसम में। जी जी। और इसके अलावा? इसके अलावा जैसे थन का रोग है, थनेला, वो तो किसी भी मौसम में होता है, गर्मियों में भी उसका प्रकोप काफी ज्यादा देखने में मिलता है। जी जी। और तीसरा चीज किन्नी है, जूं है, पेशवा है, ये भी पशुओं में गर्मियों में काफी देखने में। जी जी जी। टंडन साहब, गर्मियों में किस तरह से शेड निर्माण किया जाए, आप अपने पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए किस तरह का शेड निर्माण करते हैं? जी, शेड जो होता है जो खुला हुआ जी 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 आधार होना चाहिए जी, और शेड के अगल बगल जो है जी झाड़ अगर लगे हों जी जी हरा भरा रहे जी जी अच्छा होता है जी जी। गर्मी में विशेष तौर से जो शेड के सामने जी बोरा लगाना चाहिए हमारे को, अच्छा। बोरे में दिन भर उसमें हल्का हल्का पानी का छिड़काव करना चाहिए जी जी। ये देसी पद्धति है जो जी जी। और एक फगल भी आता है जो जानवरों पर लगता है, हल्का हल्का धुएं के समान वो पानी फेंकते रहता है, जिससे जानवर धूप से गर्मी से बचते हैं जी, जी, और उनका दूध नहीं टूट पाता है। अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि गर्मियों में जानवरों को भी लू लगती है, तो इसके लक्षण क्या है और इसके बचाव के उपाय क्या है? गर्मियों में जो जानवरों में लू की बीमारी की जो समस्या देखने में आती है जी जी, उसमें बहुत तेज बुखार आता है जी, पशुओं को जी। कभी कभी हम जब थर्मामीटर से पशुओं का टेम्परेचर जब हम देखते हैं तो 106 डिग्री 107 डिग्री तक भी देखा जाता है जी हाँ जी। और उसमें पशु खाना भी छोड़ देता है जी, दूध का उत्पादन भी काफी कम हो जाता है जी। और उसके बचाव के लिए जैसे कि टंडन जी ने बताया जी, कि हमें गर्मी में ऐसा पशु को जी जी, गर्मी में हमें शेड में ठंडा रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे एक साथी का फोन है। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप और किस जगह से बोल रहे हैं? मैं नेहरू साहब ग्राम करने से बोल रहा हूँ। मैडम, अच्छा, क्या पूछना चाहते हैं आप? जानवरों में पेशवा और किन्नी के निदान के लिए क्या किया जाए? जी, आप समझे? हाँ बताइए। हाँ, मैं सुन लिया आपका प्रश्न। जो जानवरों में पेशवा और किन्नी के निदान के लिए हमें बहुत सारी दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध है जी। जैसे उसमें एक ब्यूटॉक्स करके आती है, टिक ऑफ करके आता है, टेक्टिक करके आता है, तो ये दवाई को हमें 5 ml लेके 5 लीटर पानी में घोल बना के इसे पशुओं में छिड़काव करना चाहिए। अच्छा। और छिड़काव करने के पहले पशु को हमें नहला लेना चाहिए, छिड़काव करने के बाद हमें उसे नहीं नहलाना है। अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, आप लू के लक्षण और उसके बचाव के उपाय के संबंध में हमारे किसान भाइयों को जानकारी दे रहे थे। हाँ, तो मेरी बात अधूरी रह गई थी। उसमें एक तो उसको वही ठंडा पानी उसको हमेशा पिलाते रहना चाहिए जी जी। वहाँ पे जहाँ पे पशु को हम क्या बांध के रखते हैं वहाँ पे पानी का बाल्टी रखे रहना चाहिए जी। और दूसरा, उसे नमक भी अधिक मात्रा में देना चाहिए जी जी। और पशु को हमेशा ठंडे जगह पे रखना चाहिए। अच्छा। और वहाँ पे अगर गर्मी के मौसम में पंखे की अगर व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, तो पंखे लगाना चाहिए। कूलर की व्यवस्था है तो कूलर लगाना चाहिए जी जी जी। टंडन साहब, आप अपने पशु, पहले हमारे एक साथी का फोन है। हेलो हेलो, हाँ, कौन बोल रहे हैं आप? जी, मैं जैन राम दीवान सरायपाली। किस? अच्छा, सरायपाली से। क्या पूछना चाहेंगे आप? जी, मैं जी दुधारू पशु है, अच्छा उत्पादन देने वाला कौन सी नस्ल की है? पशु पालना, किस नस्ल का पशु पालना है जी, आप बताइएगा। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया जी जी। पशु जैसे भैंस है, सुरगल नस्ल की बहुत अच्छी होती है जी जी। जिसका दूध देने का टाइम पीरियड बहुत लंबा रहता है। अच्छा अच्छा। और जी, दूध देने का पीरियड उसका लंबा रहता है जी जी। और वो दूध भी ज्यादा देती है। अच्छा अच्छा। और गाय जैसे हमको पालना है तो होल्स्टीन क्रॉस ब्रीड जो रहती है, यहाँ का मौसम भी उसको सूट रहता है, गर्मी बर्दाश्त करती है जी जी। और वो लंबे समय तक दूध देती है और ज्यादा दूध देती है, जिससे हमको फायदा होता है जी जी। डॉक्टर साहब, थनैला रोग के बारे में आप बता रहे थे, थनैला रोग क्या है और इसका लक्षण क्या है, उसके बचाव के उपाय क्या है? थनैला रोग गायों में और भैंसों में दोनों प्रजाति में क्या देखा जाता है जी जी। इसमें
थनों में सूजन आ जाती है। अच्छा। थनों में कड़ापन भी आ जाता है। जी जी। और दूध काफी कम हो जाता है पशु का। अच्छा। और दूध कई बार खराब भी आने लगता है। अच्छा अच्छा। और कभी कभी थनेला रोग की वजह से बुखार भी आ जाता है पशुओं को। जी जी। और इसके बचाव के लिए हमें जब दूध जब पशु का निकालते हैं तो उस समय हमें दूध निकालने के पहले जैसे एक पद्धति है कि थनों को हमें साफ करते हैं क्या पानी से, तो उसमें मेरा सुझाव है कि थनों को हम साफ करने के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसमें 0.1% पोटेशियम परमैंगनेट जिसे हम पोटास कहते हैं जी, वो पानी में मिला देना चाहिए और उस पानी से थनों को धोना चाहिए। अच्छा। और दूध निकालने के बाद पोविडाउन आयोडीन आता है जिसको हम कई नामों से बाजार में उपलब्ध है, पर मैं पोविडाउन आयोडीन का नाम बताना चाह रहा हूँ। तो वो हमें कप में लेकर पशु दूध निकालने के बाद थनों को डुबाना चाहिए। अच्छा, अच्छा। जिससे थन का बीमारी जब भी पशु को होता है तो वो जहाँ से दूध निकलता है वहीं से बैक्टीरिया अंदर जाते हैं। अच्छा, अच्छा। तो इस प्रकार से हम थनों की बीमारी का रोकथाम कर सकते हैं। जी जी। टंडन साहब, अभी गर्मियों में हरे चने की कमी हो जाती है, तो आप अपने पशुओं को, पहले हमारे एक साथी का फोन है उसे सुन लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं और किस गांव से बोल रहे हैं? कृपा राम साहू, टिकायतुल्ला, जिला बालू। हाँ जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? सर मेरे दो बैल है, उसका दोनों अपने अपने बैल अपने अपने मूत्र को पीता है सर। अच्छा, उसके साथ क्या बीमारी है डॉक्टर साहब बताइएगा? हाँ हाँ, ये जो बीमारी होता है ये मिनरल्स की कमी से होता है जी। खासकर ये फास्फोरस करके एक मिनरल होता है, उसकी कमी से पशु अपना पेशाब खुद ही पीने लगते हैं। अच्छा। इसका इलाज के लिए मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि आप मिनरल मिक्सचर जो बाजार में उपलब्ध है वो आप पशु को अपने बैल को 40 से 50 ग्राम प्रतिदिन खिलाएं, और फास्फोरस के इंजेक्शन भी बाजार में उपलब्ध हैं, वो भी आप आपके निकट के पशु चिकित्सक से सलाह लेकर उस इंजेक्शन को भी पशुओं में लगा, इससे आपके पशुओं में ये बीमारी का निदान हो जाएगा। अच्छा। टंडन साहब, आप चर्चा कर रहे थे कि गर्मियों में हरे चारे की कमी जब होती है तब आप अपने पशुओं को क्या देते हैं वैकल्पिक चारे के रूप में? जैसे गर्मी के समय में हरे चारे की कमी हो जाती है जी। वैसे अभी तो थोड़ा बहुत हरा आ रहा है जी, जी। अभी थोड़ा समय बहुत खत्म हो जाएगा। उस टाइम में एक अजूला घास होता है। अच्छा। जो पानी में तैरता है और पानी में ही वो बढ़ता है जी, जी। तो उसको हम दे सकते हैं जानवरों को जी। और जैसे अभी भुट्टा लगाए हुए खेतों में लगे हुए हैं तो उस भुट्टे टूटने के बाद जो उसमें बचता है तो उसको हम लेके आ सकते हैं, उसका फिर बारीक कट्टी बना के जानवरों को खिला सकते हैं जी। जी जी। डॉक्टर साहब, जानवरों में एक आम बीमारी होती है उसमें किन्नी या जू पड़ जाती है, इससे बचाव के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? अभी जैसे अभी एक प्रश्न भी आया था, मैंने वही चीज क्या बताया भी था जी, जी। हमें जब भी किन्नी और जू आ जाता है तो हमें पशुओं में जो जो स्प्रे बाजार में उपलब्ध है जैसे कि ब्यूटॉक्स नाम से भी है, टेक्टिक करके भी है, टिक ऑफ करके भी है, ये हमें पानी में 5 ml 5 लीटर पानी में मिलाकर उसे स्प्रे करना चाहिए जी, जी। साथ में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि खासकर ये जो किन्नी होते हैं ये पशु के जो शेड रहता है वहां भी ये छिपे रहते हैं जी, जी। तो हमें जब पशु के ऊपर हम जब स्प्रे करते हैं तो हमें साथ ही साथ वहां के शेड में भी इसका स्प्रे करना चाहिए जी, जी। ताकि ये पूरी तरीके से खत्म हो जाए जी। टंडन जी, जैसे कि आप बात कर रहे थे कि हरे चारे की जगह में वैकल्पिक व्यवस्था, दूध बढ़ाने के लिए पशुओं में दूध की मात्रा बढ़े उसके लिए आप क्या चारे के रूप में उपयोग करते हैं? दूध बढ़ाने के लिए हमको उसमें दाना देना पड़ता है जी, जी, जी। जिसमें बिनोला खली है जी, हाँ। सरसों की खली है जी, चूनी है, चने की चूनी जी, जी। और अपना चोकर है जी, हाँ। ये सब चीजें मिलाकर जी, जी। मतलब जितना जानवर दूध दे रहा है जी, जी। तो उसका आधा, अच्छा, मतलब जैसे 10 किलो दूध दे रहा है तो 5 किलो और 2 किलो उसके शरीर के लिए, अच्छा, 7 किलो दिन भर में दाना उसको देना चाहिए, अच्छा, तो उसका शरीर भी नहीं टूटेगा और दूध भी लगातार उसका बना रहेगा और दूध ज्यादा देगी जी, जी। और हरा चारा खिलाने से भी दूध बहुत बढ़ता है, हरा चारा खिलानी चाहिए जी, हाँ, जी। अजूला बताया जो उसमें भी बहुत ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है, बहुत अच्छा होता है अजूला, तो उससे दूध बढ़ता है, अजूला खिलाना चाहिए जी, जी। डॉक्टर साहब, पशु में एक आम बीमारी होती है मुंह से लार बहती है बहुत ज्यादा, फेस निकलता है, या खुरहा चपका रोग जो हमारे किसान भाई कहते हैं, इसके विषय में बताइए कि इससे बचाव के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए?
हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसमें खुरा चपका रोग पहले हम लोग अक्सर क्या देखते थे कि ये ठंड के मौसम में होता था, परंतु आजकल ये सभी मौसम में देखने में मिल रहा है। जी। और इसमें इसके जो खास जो क्या लक्षण होते हैं, उसमें मुंह से लार टपकता रहता है। जी, जी। जब आप मुंह को खोल के देखेंगे तो मुंह पे छाले रहते हैं, जीभ में छाले रहते हैं, दांत के नीचे भी जहां से वो जो जो रहता है गम्स रहता है वहां पे भी छाले दिखते हैं। जी, जी। और पैरों में भी इसमें घाव बन जाते हैं, कभी कभी दो पैरों में रहते हैं, कभी वो चारों पैरों में भी दिखाई देते हैं। जी, जी। और बहुत ज्यादा जब ये बीमारी का प्रकोप होता है तो ये थनों में भी इसमें छोटे छोटे फुंसी दिखाई पड़ते हैं। जी, जी। तो इसके बचाव के लिए इसका टीका बाजार में भी उपलब्ध है, सरकार से भी ये टीका उपलब्ध है, और इसका टीका साल में कम से कम दो बार लगवाना चाहिए। जी, जी। इससे ये बीमारी से पूरी तरीके से बचा जा सकता है। जी जी। टंडन साहब, पशुपालन की उन्नत तकनीक क्या है, कैसी वहाँ साहब? एक मिनट, हमारे एक साथी का फोन है, पहले हम उसे देख लें। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हैं भाई और किस गांव से बोल रहे हैं? मैं तेंदुआ से बोल रहा हूँ, चिराग जिला। हाँ जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? मेरे पास देसी गाय है, करना चाहता हूँ, हो जाएगा जी? देसी गाय है। हाँ जी, देसी नस्ल नस्ल सुधर सकता है? आप प्रश्न समझ पा रहे हैं? जी जी जी, बताइए। हाँ, मतलब उनका प्रश्न ये है कि देसी गाय है, उसका नस्ल सुधारना है। अच्छा, तो इसके लिए यहाँ पे ये कि सरकार की ओर से कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है। जी। उसमें हम क्या कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा नस्ल सुधार हम क्या देसी गायों में कर सकते हैं। जी। उसमें हमारे पास अलग अलग नस्ल के गिर उपलब्ध रहते हैं। जी। जैसे कि साहिवाल का भी रहता है, गिर का भी रहता है, थारपारकर का भी रहता है, HF का भी रहता है, जर्सी का भी रहता है। तो हम अगर देसी गायों को उस अगर सीमन से हम अगर उसकी क्या कृत्रिम गर्भाधान कराए तो उसमें नस्ल सुधार जरूर होगा। अच्छा अच्छा। टंडन साहब, हम चर्चा कर रहे थे कि पशुपालन की उन्नत तकनीक क्या हो, कैसे वहाँ साफ सफाई रखें, कैसे पशुओं को पशुओं से पशुओं की दूरी क्या हो जी, जिससे कि हमारे पशु ज्यादा स्वस्थ रहें। आपकी यहाँ जो व्यवस्था है उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। मतलब दूध ज्यादा उत्पादन करने के लिए, दूध उत्पादन के लिए, उनके स्वस्थ रहने के लिए। जी जी। एक तो जो शेड हो उसका खुला हुआ हो, खुला हो जिसमें हवा आराम से आर पार हो सके, दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए जिससे मतलब हवा आ जाए, ठंडा रहे शेड। और जैसे अपने को दूध ज्यादा लेना है तो जानवरों की नस्ल भी अच्छी होनी चाहिए, और साफ सफाई तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सफाई रहने से जानवर बीमारी से बचते हैं। जैसे अपने को सुबह जैसे दुहाई हो रही उसके पहले पूरे डेयरी की धुलाई होनी चाहिए, उसका गोबर उठे वहाँ से साफ सफाई हो। जी जी। और जानवरों को भी नहलाना चाहिए। जी जी। और उनके थन में जहाँ से निकलता है चड्डे में उसमें सब में पानी मारना चाहिए। जी जी। कभी गर्मी है तो गर्मी में तो बहुत ज्यादा बार बार पानी अगर डाले जानवर में तो जी जी। बहुत अच्छा रहता है, जानवर को ठंडक मिलनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जानवरों में कौन कौन से? हमारे एक साथी का फोन है। हेलो। हेलो, बोल रहा हूँ। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, किस गांव से? हाँ, मैं पुष्कर दीवान जी। अच्छा, बोल रहा हूं। जी, ग्राम जोबा से। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये गाय की मुंह से फेर जो आती है वो कोई बीमारी के लक्षण है क्या? डॉक्टर साहब बताइएगा। क्या एक बार प्रश्न आप प्रश्न दोहरा दीजिए एक बार। जी, गाय की मुंह से जो फेस आता है, गाय के मुंह से फेस आता है, लक्षण? जी हाँ, मैं समझ गया हूँ। नहीं, गाय में फेस, जब वो गाय जब जुगाली करती है, जब स्वस्थ जानवर जब क्या जुगाली करता है तब भी फेस आता है, तो वो कोई क्या बीमारी का लक्षण नहीं है। परंतु अगर गाय में लगातार अगर फेस क्या निकल रहा है और पशु अगर कम खाना खा रहा है तो हमें उसके मुंह को खोलकर देखना चाहिए, अगर उसमें छाले हैं तो वो क्या खुरा चपके की निशानी है। अगर उसमें वैसा कोई अगर छाले नहीं है तो पशु में फेस आना एक क्या नॉर्मल प्रक्रिया है। जी जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब, जानवरों को बीमारी से बचाने के लिए कौन कौन से टीके बाजार में उपलब्ध है और कौन कौन से टीके लगाना जरूरी है समय समय पर? जी, जानवरों को बीमारियों से बचाने के लिए हम लोग ज्यादातर टीकाकरण जो करते हैं वो मानसून आने के पहले करते हैं। जी। और ये ज्यादातर टीका तो सरकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध है। जी जी। जैसे कि खुरा चपका,
और एक टंगिया छई गलघोटू जिसे सोनाई रोग भी कहते हैं, ये सभी टीके सरकार द्वारा भी उपलब्ध हैं, परंतु ये बाजार में भी उपलब्ध हैं। आजकल एक और टीका आ गया जिसमें तीन बीमारी का एक साथ, मतलब एक ही टीका लगाने से तीन बीमारियों से बचा जा सकता है, वैसे टीके भी बाजार में उपलब्ध है। जैसे कि हम वो टीका लगाने से हम खुरहा चपका, एक टंगिया और क्या गलघोटू बीमारी से हम पशुओं को बचा सकते हैं। जी जी टंडन साहब, जैसे कि अच्छी नस्ल की बात कर रही है, तो अच्छी नस्ल के बछड़े अगर हम दूसरे राज्यों से अपने राज्यों में लाते हैं पालने के लिए, तो उन्हें वहां से लाते हुए क्या सावधानी रखनी चाहिए? जी जी, जैसे अपन दूसरे राज्य से अपने राज्य में लाते हैं जी, तो ट्रक में आते हैं जी हाँ, तो ट्रक में उसको मतलब इतना गैप होना चाहिए जिससे वो हिलडुल सके जी जी, आराम से उसमें रह सके जी जी, और बैठना चाहे तो बैठ सके मतलब जी जी, और जैसे कुछ किलोमीटर चलने के बाद जी, जैसे दो घंटे चार घंटे चलने के बाद उनको उतारना चाहिए नीचे जी जी, और उतार के उनको अच्छी जगह जहाँ पर व्यवस्था हो जी, वहाँ पर ठंडी जगह में बैठा के जी जी, उनको खिलाना, उनको जी, पानी पिलाना जी जी, ये सब जरूरी रहता है जी। डॉक्टर साहब, पौष्टिक आहार के रूप में पशुओं को क्या क्या और कब कब देना चाहिए? पौष्टिक आहार में पशुओं को, जैसे हम दूध उत्पादन के हिसाब से हमें पशुओं को आहार खिलाना चाहिए जी हाँ। जैसे कि एक थंब रूल है जी, कि जैसे कोई पशु है जिसका हाँ। दूध उत्पादन अगर 10 लीटर प्रतिदिन है जी, तो हमें उसे 6 किलो दाना दिन भर में देना चाहिए जी जी, 5 किलो दाना उसके दूध उत्पादन के लिए और 1 किलो उसके बॉडी मेंटेनेंस के लिए जी जी। तो और इसमें पशुओं को जब भी हम क्या दाना देते हैं जी, तो कम से कम 40-45% उसके पशु आहार में ऊर्जा रहना चाहिए जी हाँ, जी हाँ। जिसे हम एनर्जी कहते हैं जी, और 30-35% उसमें प्रोटीन की मात्रा रहनी चाहिए जी हाँ, जी हाँ। और 10-15% हमारे एक साथी का फोन है, पहले देख ले। हेलो 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 दीदी नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं और किस जगह से बोल रहे हैं? मैं सिंधु साहू ग्राम धमनी से बोल रहा हूँ। हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? पशुपालन के लिए कौन से नस्ल का किस नस्ल का पशु पालें, आप किस तरह का पशु पालना चाहते हैं, गाय भैंस बकरी, उसकी नस्ल हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे। गाय के बारे में बताइए, किस नस्ल की गाय ज्यादा लाभदायक होगी? अगर आप पशु पालना चाहते हैं जो कि दूध उत्पादन सबसे ज्यादा हो, तो उसमें तो होलिस्टियन फ्रीजियन गाय सबसे अच्छी रहती है, जिसका दूध उत्पादन सबसे ज्यादा रहता है और वो काफी लंबे समय तक दूध देती है। परंतु अगर आप गांव में अगर पशु पालन करना चाहते हैं, तो वहां पे आप गिर गाय भी पाल सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, आपने पशुओं से संबंधित रोगों के बारे में, उनके निदान के संबंध में बहुत अच्छी जानकारी दी, और टंडन साहब आपने पशुपालन की बहुत अच्छी तकनीक हमारे किसान भाइयों को समझाई, आप लोगों ने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, नया विषय और नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।